Shit! Wow! Here we go! मैं खुद डॉज कर रहा हूँ मैं पता नहीं क्यों पर गेम में बहुत इंगेज हो गया हूँ तो मुझे जो जाना है हमारे लिए हेलीकॉप्टर खड़ा है आई कैन डू दैट एंड वी कैन डू दैट वेलकम टू माय चैनल बीआरएस डाइवर्जन। सो मैं आपका स्वागत करता हूं एपिसोड 15 में कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट का। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा रॉक ने एलायस को मार दिया और मेरे पर भी गोली चलाई थी उसने बिना कुछ सोचे, तो ये सही नहीं है और वो सही नहीं हुआ था एकदम। और जैसे कि पिछले एपिसोड में रायली जो कि हमारा प्यारा सा डॉग जो कि इंजर्ड हो गया था हमें बचाते हुए, अब वो शायद वो रिकवर हो चुका है, वो देखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेल अंदृश्य साउथ अमेरिका फैंटम 22 पैसिफिक ऑसन। तो ये काफी अच्छा ट्रांजेक्शन है तो मुझे मजा आ रहा है। कूल ये मैप के बीच वो जैसे कि मेरी जो हेश की साइड में बैठा है वो मैक्स जैसा दिखने में, मैक्स पेन 3 वाला मैक्स जैसा दिखने में, मैंने इसको पोस्टर में देखा था मैक्स वाले में तो वो एक तरह से ऐसे ही दिखने में था बहुत मेरी की तरह। वो रायली माय बॉय, तो एक तरह से ये फुल रिकवर हो चुका बट एक ही चीज जो है इसके पास नहीं है वो इसका डिफेंस, क्या बोलते हैं डिफेंस कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम नहीं इनके पास, जो कॉस्ट्यूम नहीं है इसके पास जो हमेशा ये पहनता था। ओके हियर वी गो। तो थैंक यू वेरी मच मैरिक, ही सॉ द सेम पोटेंशियल इन बोथ ऑफ यू हियर लोग। ओह माय गॉड, गोस्ट का फाइनली मुझे मार्क्स मिल चुका है। तो ये पहले नहीं हुआ था, जैसे कि पहले मिशन में मैं बता रहा था कि गोस्ट का मास्क पहनने का एक ट्रांजिशन होगा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था 3 डेज लेटर, पर अब मुझे मिल चुका है वो गोस्ट का मास्क और मैं पहन चुका हूँ। इससे बोलते हैं ट्रांजिशन जो उसने पहना वो उस मिशन में नहीं था तो उस मिशन में मुझे नहीं मिला था। फाइनली अब लग रहा है कि मैं एक गोस्ट टीम का हिस्सा हूँ, एक फ्रिकिंग ऑसम गोस्ट टीम का हिस्सा। हेश मेरे साथ है, लोगन उसके साथ है, दोनों मिले तो एक तरह से वाट लगा देना है। तो ओ तेरी, तो ये इंजर्ड है प्राइवेट विल्सन। तो यहाँ पर अखाड़े का शेट, मैंने क्या फेंका आई डोंट नो। तो यहाँ पर है एक इन्वायरमेंट इसका, क्या बोलते हैं वॉर इन्वायरमेंट, क्योंकि रौरक की वजह से हुआ है सारा जितना भी वॉर्स है। मुझे यहाँ पर फेंकना चाहिए, सबसे ज़रूरत है यहाँ पर ग्रेनेड की क्योंकि ये लोग कुत्ते की तरफ भागेंगे नहीं, अगर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ तो ये लोग भागते हैं, तो ये काफी स्मार्ट मूव है आई नो मेरे लिए स्मार्ट मूव है। हियर वी गो, डन 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 डन। ये भी गया, तो और कौन है? ये क्या कवर ले रहा है? मेरे सामने कवर नहीं लेना बेटा, क्योंकि हम जिसको देख लेता है ना भाई सबको उड़ा देता है इसी के द्वारा, जैसे कि इसको उड़ाने वाला है। कहाँ भागेगा दोस्त, कहाँ भागेगा दोस्त, क्योंकि वो जा चुका है। यहाँ पर एक, ये भी गया। बाय मिस्टर दोस्त, दोस्त तो नहीं बोल सकता पर जरूर ये जरूर बोल सकता हूँ कि तुम एक तरह से रौरक का साथ देके सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि रौरक मुझे एकदम सही नहीं लगा। पूरे गेम खेलिया मैंने, रौरक एक फालतू बंदा है जिसने सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बदला लिया कि उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कि गोस्ट टीम ने उसका साथ छोड़ दिया। व्हाट द हैक, वो सारी गोस्ट टीम मतलब एक तरह से वो उसकी सोच ही सही नहीं थी, उसकी सोच की वजह से वॉर लगी है। ये वॉर होना ही नहीं था, इतनी बड़ी वॉर सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से। मेरा है ना, हाँ हेश है वहाँ पर, डन। तो मुझे भी आगे जाना है, तो मैं पीछे क्या कर रहा हूँ? टेक दिस शिट, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। यहाँ पर और भी है तो ग्रेनेड दो ना तुम लोग, क्या खुशी मनाओ यार। डन, हियर वी गो, क्लियर 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 फ्रिकिंग क्लियर, गेम सेफ, रीग्रुप ऑन। सो मुझे क्या करना है, आई थिंक फॉलो करना है। हियर वी गो, हे हेश, व्हाट्स अप। वैसे ये मोमेंट व्हाट्सएप बोलने का नहीं है रे भाई। ऑस्प्रे, वो हो ऑस्प्रे लेना है मुझे, क्योंकि ये ऑस्प्रे ये भी एक तरह से मुझे लगता है एयर सपोर्ट है, क्योंकि मैंने जितने भी टैबलेट्स उठाए हैं वो सारे के सारे एयर सपोर्ट्स वाले थे, तो मे बी ये भी एयर सपोर्ट्स वाले ही है। कॉर्पोरल व्यूवर, लेट्स डू दिस एश, या माय बॉय तू भी गोस्ट मास्क में फ्रीकिंग ऑसम लग रहा है और मैं भी। ओके हियर वी गो, तो मुझे डिफेंड कर रहा है तो ये काफी डिफेंडिंग होने वाला है।
एकदम फुटबॉल टीम की तरह तो नहीं, पर जरूर इन जॉडियो को उड़ाना है मुझे। Here we go. तो एक बोर्ड क्लियर किया मैंने मुश्किल से, तो जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ करूँ। ग्रेनेड जरूर फेंक सकता हूँ इनके यहाँ पर, इनकी इन्हीं के बोर्ड में। तो ये लोग साथ ही फटेंगे, तुम भी लो यार सब जश्न मनाओ, फटा फटा। और कहाँ जॉडियक्स, यहाँ पर अभी भी जिंदा है। ये लोग एक तरह से मुझे लगता है वे बना रहे ऊपर जाने का, बट मैंने इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं हूँ, भली मेरी गोली क्यों ना कम हो। अभी मुझे वक्त है एयर सपोर्ट लेने का। टर्न टर्न, तो यहाँ पर क्लियर। आई एम डूइंग ग्रेट डूड, मैं मुझे तो एयर सपोर्ट का रखवाला होना चाहिए। तो फिर घूमने वाला है, इतने सारे हैं। पहली बार तो पूरी शिप में, पहले तो मुझे इस बोट को उड़ाना है सबसे बड़ी बात। ये बोट सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है मुझे लगता है, क्योंकि ये छोटे मोटे तो ये लोग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े पैमाने में। मेरा तोतला गया, मैं बड़े पैमाने में। अब इनका है, इनका है, इनका है, ये मेरा टीम नहीं है। तो जैसा कि मैंने ब्लास्ट किया तो इसी से पता चलता है कि ये लोग मेरी टीम के नहीं थे। रीलोड, फ्रिकिंग रीलोड डूड। टेक आउट ज़ोडियक्स, या मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग आउट द फ्रिकिंग ज़ोडियक्स। शिट, फ्लैशबैंग क्या यूज़ करता हूँ, ऑस्प्रे फिर यूज कर रहे हैं मुझे। एंड हियर वी गो, वी आर बैक ऑनलाइन ऑन ऑस्प्रे। इस बड़ी बोट को उड़ानी है मुझे कैसे भी करके, क्योंकि यही है इनका बेस और यहीं से सारी बोट निकल गई है। हियर वी गो, डन। तो ये फट चुका है और आगे कोई छोटे मोटे, तो ये लोग तो बताओ, ये लोग तो बच्चे हैं मेरे सामने। तो एक दे देना है बस, खेल खत्म कर देना है। ये लोग हमारी बोट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो करना है। पर ये मुझे पता है कि ये लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगन पॉल है, लोगन ब्रेकिंग वॉकर है। सॉरी, तो हे वेज, आई एम कमिंग विद यू डूड, फॉलोइंग यू। हेज काफ़ी स्पीड भागता है, आई थिंक मेरा प्लेयर इतना स्पीड नहीं भागता जितना हेज भागता है। मज़ा नहीं आता मेरे प्लेयर का रनिंग देख के जितना हेज का। वाओ, फ्रिकिंग सीक्वेंस, वी नीड टू गेट ऑफ द टैक, वी कैन डू दैट, आई एम फॉलोइंग यू। ये स्लाइडिंग ना सबसे जबरदस्त, वो स्लो मोशन हो चुका है। डन डन, अरे 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 अरे, डन, हियर वी गो। ये क्या है, ये इंट्रैक्शन, यूज स्पैरो मिसाइल्स। तो इस लैपटॉप में कुछ स्पैरो समथिंग है, वैसे ये लैपटॉप बहुत सिक्योरिटी वाला है। ओहो, तो ये है लॉक एंड फार्दो, लॉक एंड फार्दो, लॉक एंड फार्दो। और कौन है, तो दूर तक है मेरे सामने, और अरे कहाँ है, आई कैन नॉट सी ऑन अ थिंग। अभी का एक और आ रहा है मेरे सामने, बट ये जाएगा, ये सरवाइव नहीं करने वाला। अभी गो, बूम, शिट, वो लॉक था बट वो कहीं ना कहीं से बच गया। ये भी है, तू भी जा बेटा, तू भी ले ले बेटा। हेलीकॉप्टर को बेटा बोलो, व्हाट द हेक। पहले वैसे इनको मारने बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी इजी कंट्रोल से इस मिसाइल के, पर रियल लाइफ में इतने इजी होते हैं क्या, आई डोंट नो, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतने इजी भी हो सकते हैं। वैसे इनको बनाया जाता है इसलिए, तो ये कभी इजी ना हो वैसे तो। और कहें, अरे वाह वाह, इन्हीं का तो शामत आई है। बूम बूम, तो एक बड़ा वाला शिप आ रहा है, बड़ा वाला एयरक्राफ्ट जो कि डैमेज्ड है। वैसे एयरक्राफ्ट में धीरे धीरे डैमेज होता है, एक बार भी नहीं होता, जैसे उसके पंखे में आग लगा उसके बाद बूम होना है, तो एक बार में वो होता नहीं है वो जो होना था। नाइस शूटिंग लोगन, थैंक यू वेरी मच। हमारे डैड जल्दी जरूर चले गए, बट हमने हार नहीं मानी है, हम अभी भी उतने के उतने ज़बरदस्त हैं। और हमें बनना ही है, हम एक आखिरी विषय है, ऐसी डायलॉग्स मारते हैं लास्ट में। आखिरी है जो हम घोस्ट टीम को बचा सकते हैं। व्हाट द हैक, अटैक हो चुके तो हमारे, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि लोग अटैक कर लेंगे, बट ये लोग सक्सेसफुल हो गए अटैक करने में। तो जो होना है अभी, रनिंग मिशन होना है, एंड आई लव रनिंग मिशन, और ऐसे स्लाइडिंग जंप वगैरह वगैरह, ऑसम रनिंग, आई फ्रीकिंग लव इट। वाओ, अटैक, शिट, वाओ, हियर वी गो। मैं खुद डॉज कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों, पर गेम में बहुत एंगेज हो गया हूँ। तो मुझे जो जाना है हमारे लिए हेलीकॉप्टर खड़ा, हियर वी गो, आई कैन डू दैट एंड वी कैन डू दैट। व्हाट द हेक, तो ये सही है, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट नहीं हुआ है। वाओ, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर में। ओ फेश, ये वाला रॉकिंग मिशन, रॉकिंग फ्रेकिंग मिशन। इतने ब्लास्ट के बाद भी हम सक्सेसफुल आ रहे हैं, तो ये फ्रेकिंग ऑसम हुआ, फ्रेकिंग ऑसम, लव इट। टारगेट्स
assault team's launched headed for the Federation space station. Their mission is to breach the station and take control of its orbital weapons. To make their approach possible, we have to destroy the space station's early warning array on the ground. Hesh, you lead a team to seize control of their command center and launch a missile at their ground array. Rourke could be in the area, but this takes priority. Rourke! We are coming for you, dude. तुम्हारी वाट लगाने या तेरी बोलो, तुम्हारी तो इज्जत देनी नहीं है, तेरी बोलनी है, तेरी वाट लगाने आए हैं हम तो इनकी तो वाट लगानी है। तो ये रहा हमारा एपिसोड 15th ऑफ क्वालिटी गोस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बीआरएस डाइवर्जन।